हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तिरुपति अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा के कट ऑफ के रिगार्डिंग। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग ट्रिपल आईटी वडोदरा के 2022 का कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, जोसा का कट ऑफ देखेंगे, साथ में सीसेप का भी कट ऑफ देखेंगे। ठीक है बच्चों, इतना ही नहीं, इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है इसे भी जानेंगे। फी स्ट्रक्चर क्या है ट्रिपल आईटी वडोदरा का, प्लेसमेंट कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन सभी से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो देखना है तो फिर जाकर आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर के लास्ट से देखना, क्योंकि अगर आप लोग स्किप करोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग मिस आउट कर दो, फिर जाकर के आपके पास आधी अधूरी जानकारी होगी जो कि आपको नुकसान देगी। ठीक है, सो नहीं देखना है तो अभी बंद कर सकते हो, अगर देख ही रहे हो तो बिना स्किप किए शुरू से लेकर के लास्ट देखना। लास्ट तक में देखने के बाद जाकर के अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो वीडियो को डिसलाइक करके आप लोग जा सकते हो। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट के बात कर लेते हैं। बस ये है कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के ट्रिपल आईटी वडोदरा के कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, सो बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल आईटी वडोदरा कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, फिर 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसे देखेंगे, फिर फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल आईटी वडोदरा कट ऑफ 2022। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर ट्रिपल आईटी वडोदरा के बारे में कुछ बातें जानी जाए तो ट्रिपल आईटी वडोदरा का फुल फॉर्म है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, जो की आपको गुजरात में देखने को मिल जाता है। ट्रिपल आईटी वडोदरा एक हमारा नया कॉलेज है जो की 2013 में एस्टेब्लिश हुआ है। इसका खुद का कैंपस भी नहीं है, टेम्पररी कैंपस है। 33 एकड़ के टेम्पररी कैंपस में इसे शिफ्ट किया गया है। स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिपल आईटीज है। इसने अपने प्लेसमेंट को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। जो एवरेज पैकेज पहले 4-5 एलपी हुआ करता था वो अभी के टाइम पे 11-12 एलपी है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इसने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया हुआ है। साथ में ये कहा जा रहा है कि 50 एकड़ का इसका परमानेंट कैंपस भी देखने को मिलेगा, बट कब इसके बारे में कुछ भी बातें नहीं है। ठीक है बच्चों, सो ट्रिपल आईटी वडोदरा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग IITs है, काफी बढ़िया कॉलेज है, आप लोग इसे ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात कर लिया है। अब बात करते हैं ब्रांचेस की। तो ट्रिपल आईटी वडोदरा में सिर्फ 2 ब्रांचेस देखने को मिलता है। पहला है हमारा CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और दूसरा हमारा IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, दोनों कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कुछ बातें आपको जाननी आवश्यक है, वो ये है कि इधर मैंने जोसा के राउंड 6 का कट ऑफ लिखा हुआ है और इस साइड में हमारा CSEP के सेकंड राउंड का कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब देखो बच्चों जब काउंसलिंग होता है तो पहले आप लोग का जोसा के 6 राउंड होते हैं, उसके बाद जाकर के जितने भी नंबर ऑफ सीट वैकेंट बच जाते हैं NITs, TRIITs और GFTIs में, उसके लिए CSEP काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। CSEP में 2 राउंड होते हैं। ठीक है, सीसेप के लास्ट राउंड यानी कि सेकंड राउंड का कट ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों जोसा में आप लोगों का कैटेगरी रैंक कंसीडर होता है। जनरल वाले बच्चों के पास सिर्फ 1 रैंक होता है जिसे हम लोग CIR रैंक या फिर ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं। EWS वाले बच्चों के पास 2 रैंक होगा, एक CIR रैंक और दूसरा EWS रैंक। ठीक है ना, तो जोसा काउंसलिंग में आप सभी को अपना कैटेगरी रैंक देखना है, यानी कि EWS वाला बच्चा अपना EWS रैंक देखेगा, OBC वाला बच्चा अपना OBC रैंक देखेगा, SC वाला बच्चा अपना SC रैंक देखेगा और ST वाला बच्चा अपना ST रैंक देखेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सा आ गया है, सीसेप काउंसलिंग में आप सभी का CIR रैंक कंसीडर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया है। सबसे पहले जोसा के राउंड 6 का कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखो बच्चों 2022 में CSE ब्रांच जनरल कैटेगरी को जो मिल रहा था उसका कट ऑफ गया था 19,963, IT का गया था 21,613। ठीक है ना, EWS वाला बच्चा अपना EWS रैंक देखेगा, इट मींस कि हमारा EWS रैंक है। तो CSE का जो कट ऑफ गया था वो 3,173 और IT का 3,377। ठीक है, OBC का 7,790 और IT जो है वो 8,302 पे मिल रहा था। ठीक है, ये OBC रैंक है। SC वाले बच्चों को CSE ब्रांच 5,106 रैंक तक में मिल रहा था और IT ब्रांच 5,805 रैंक तक में मिल रहा था। ठीक है ना, ये आप लोग का SC रैंक है और ये आप लोग का ST रैंक है। ठीक है ना, CSE ब्रांच ST वाले बच्चों को 2,248 रैंक तक में मिल रहा था और IT ब्रांच 2,910 रैंक तक में मिल रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात किया जोसा के राउंड 6 का कट ऑफ। अब बात करते हैं CSEP के सेकंड राउंड का कट ऑफ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने CSEP के सेकंड राउंड का कट ऑफ लिखा हुआ है और मैंने आपको बता ही दिया कि CSEP में आप सभी का CIR रैंक कंसीडर होता है। ठीक है, अगर ये डाउट आ रहा है कि सभी का CIR
रैंक कंसीडर होगा तो कैटेगरी का बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा, तो इस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वाले वीडियो में, तो बच्चों इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सीसेप के सेकंड राउंड में जनरल वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच जो मिल रहा था वो था 22,999 तक में मिल रहा था, आईटी ब्रांच 26,474 रैंक तक में मिल रहा था। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो ये भी आप लोग का सीआर रैंक है, सारे आप लोग का सीआर रैंक है, ठीक है ना। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच 32,854 रैंक तक में मिल रहा था और आईटी ब्रांच 33,701 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है। ओबीसी वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच 33,876 रैंक तक में मिल रहा था और आईटी ब्रांच 37,102 रैंक तक में मिल रहा था। एससी वाले बच्चों को सीएससी ब्रांच 127,137 रैंक तक में मिल रहा था और आईटी ब्रांच है वो 130,613 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है ना। वहीं अगर एसटी वाले बच्चों की बात करेंगे तो सीएससी ब्रांच 225,046 रैंक तक में मिल रहा था और आईटी ब्रांच 242,724 रैंक तक में मिल रहा था, ठीक है बच्चों। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बच्चों आप लोग बाद में भी देख सको, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है। अब बच्चों अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का, तो देखो बच्चों जोसा काउंसलिंग में उतना वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है ना। जिस रैंक पे लास्ट आप लोगों को मिल रहा था अगर उतना रैंक है तो 100% इस बार भी मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो रैंक है हमारे, इसे हम लोग सेफ रैंक भी कह सकते हैं। अगर इतना रैंक आप लोगों का कैटेगरी वाइज है तो 100% इस ईयर भी ट्रिपल आईटी वडोदरा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली ये है कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे बच्चों, इस ईयर जो है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े से लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है ना। इट मींस कि 600 से लेकर 700 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर सीएससी ब्रांच जनरल वाले बच्चों को 19,963 रैंक तक में मिल रहा था। तो बच्चों अगर इस ईयर की बात करेंगे तो अगर आप लोगों का रैंक जो है वो 19,000 या फिर 19,200 तक है तो 100% आप लोगों को इस ईयर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों इस ईयर 600 से लेकर 700 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग हर एक ब्रांच और हर एक कैटेगरी का देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये हमने बात किया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन बच्चों उस सभी से पहले आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट सारे एनआईटी सारे ट्रिपल आईटीज का रिव्यू भी डाला हुआ है, कट ऑफ भी डाला हुआ है और इसी तरीके से अभी से लेकर के फर्स्ट जॉब कर तक के सारे काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियो डलेगा, ठीक है ना बच्चों। और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हो, बट बच्चों होता क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने से सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। सभी स्टूडेंट का अपना पर्सनलाइज क्वेरी होता है जो कि पर्सनली कॉल करके ही क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट उस सभी के लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च किया जाता है। देखो स्टूडेंट अगर आप लोग इस वीडियो को सेकंड अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट का, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना, बहुत ही कम प्राइस है। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाकर के आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, उसके बाद जाकर के आपके रैंक के अकॉर्डिंग 100% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच दिला दिया जाएगा और साथ में आप लोगों को जितनी भी पर्सनलाइज क्वेरी होगी हमारे टीम मेंबर सॉल्व कर रहे होंगे और आपके लिए पर्सनलाइज चॉइस प्लानिंग भी करवाई जाएगी, ठीक है ना बच्चों। सो आप लोग बाय कर लेना, स्टार्टिंग प्राइस कम होता है बट बाद में इसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। और देखो बच्चों अगर इस वीडियो को आप लोग फर्स्ट टाइम के बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही लॉन्च करे वैसे ही बाय कर लेना, क्योंकि बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों 4 to 5 years से काउंसलिंग करवा रहे हैं, त्रिपति अकेडमी का स्टूडेंट आप लोगों को हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे, चाहे बच्चों आईआईटी बॉम्बे की बात कर लो या फिर हर एक आईआईटीज में एनआईटीज में साथ में स्टेट लेवल काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पे भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज योर टर्न, बाय कर लेना, जितनी जल्दी बाय करोगे उतनी जल्दी आप लोग की हेल्प कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ समय में आ ही गया है, अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के बारे में। देखो स्टूडेंट अगर हम लोग बात करेंगे फी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल आईटी वडोदरा के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो फी पे करना होगा उसमें वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट जो है वो है आप सभी का 15,000 रुपीज, वन टाइम फी जो है वो है आप सभी का 5,100 रुपीज, ट्यूशन फी पर सेमेस्टर का जो पे करना होगा वो अमाउंट है 95,000 रुपीज, होस्टल चार्जेस जो लगेंगे पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 30,500 रुपीज, अदर फी जो पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 17,250 रुपीज, एनुअल फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 120 रुपीज, मैथ्स का जो फी देना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 18,300 रुपीज़। इट मीन्स कि टोटल फी जो आप सभी को पे करना होगा वो अमाउंट है 1,81,270 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ट्रिपल आईटी वडोदरा में कोई सा भी स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलता है, इट मीन्स कि सारे स्टूडेंट को टोटल फी ही पे करना होगा। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ ट्रिपल आईटी वडोदरा के रिगार्डिंग। तो देखो बच्चों वैसे हमारा ट्रिपल आईटी वडोदरा एक नया कॉलेज
एज है, 2013 में स्टेब्लिश हुआ है, बट स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिपल आईटीज है। इसने अपने प्लेसमेंट को काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। अगर एवरेज पैकेज की बात करेंगे, 2021 में जो एवरेज पैकेज ऑफर किया गया था वो अमाउंट था 11.53 लाख पर एनम का, और हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर किया गया था वो अमाउंट था 43.50 लाख पर एनम का। ठीक है स्टूडेंट, इनके वेबसाइट पर अभी तक 2022 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड उन्होंने अपलोड नहीं किया है। ठीक है, पास रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो देख सकते हो ये सारी कंपनीज इस कॉलेज में विजिट कर चुकी है, और बेसिकली कॉलेज बढ़िया है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिपल आईटीज है। सो डेफिनेटली आप लोग कॉलेज में जाओगे, जब आपका प्लेसमेंट का टर्न आएगा तब तक ये काफी अच्छा खासा ग्रोथ कर चुका होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली आप लोग इसे ऑप्ट कर सकते हो। तो बच्चों, हम लोगों ने फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट को भी देख लिया है, होप्स आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता देना, चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई फीडबैक देना है तो बता सकते हो कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।